जो भारत देश के अंदर इंक्लूसिव शब्द को एब्यूज बना दिया गया है, आज जो भारत के अंदर खुले में नमाज पढ़ने पे अटैक किया जाता है और लोग निराश इस बात पे नहीं होते कि कैसे किसी समुदाय के लोगों के ऊपर आपने अटैक कर दिया, बल्कि लोग ये बोलने लगते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर ये बोलते हैं कि आप खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इंक्लूसिव शब्द को वापस से रिक्लेम करना आज के दौर में मैं समझती हूँ एक बहुत ही बहादुरी का काम है। आज जब महिलाएं, जब महिलाओं के साथ रेप होता है, तो हम इस चीज के ऊपर, हमारे नेता लोग इस चीज के ऊपर बात नहीं करते कि कैसे किसी महिला के साथ रेप हो गया, कैसे हमारे एमएलए उसके लिए खुलेआम सड़कों पे उसको बचाने के लिए तिरंगा हाथ में लेके उसकी जस्टिस की, एक्यूज की जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो आज मेरे हिसाब से इंक्लूसिव शब्द को रिक्लेम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंडिया इंक्लूसिव के लिए मैं उनको शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज तमाम प्रगतिशील लोगों को साथ में इकट्ठा किया इस बारे में चर्चा करने के लिए कि आज देश में चार साल के मोदी सरकार के चार सालों के बाद देश का आज क्या हाल है। साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक है जिसपे मुझे बुलाया गया है उसका नाम है इंक्लूसिविटी एंड एडुकेशन। इंक्लूसिव और एडुकेशन को साथ में रखा गया है। हम मानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, पिछले चार सालों से जब से मोदी सरकार इस देश में आया है तो एक जगह जहां पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है वो यूनिवर्सिटी है, वो विश्वविद्यालय है। लेकिन मैं नहीं मानती कि सिर्फ विश्वविद्यालयों के ऊपर अटैक हो रहा है, मैं मानती हूँ विश्वविद्यालय सबसे जबरदस्त तरीके से आज मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और विरोध की सीमा पिछले चार सालों में सिर्फ बढ़ी है। ये बात शुरू हुई आईआईटी मद्रास से एक अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल को लेके। बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात करना, क्यों अंबेडकर और पेरियार से इनको खतरा है। इसीलिए अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के ऊपर बैन का प्रपोजल लगा और आज चार सालों के सफर के बाद एक और अटैक हुआ। किस यूनिवर्सिटी के ऊपर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एएमयू के ऊपर अटैक होता है किसके नाम पे? मोहम्मद जिन्ना के नाम पे। हिस्ट्री तो इनको नहीं आती, तो हम हिस्ट्री के अंदर कथन में जाएंगे भी नहीं कि क्यों आपके पार्लियामेंट के अंदर सावरकर का तस्वीर लगा हुआ है, नहीं जाएंगे, नहीं सवाल पूछेंगे। लेकिन आज सवाल ये है कि क्यों यूनिवर्सिटीज के अंदर अटैक हो रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हम मानते हैं कि देश में और समाज में एक नया डिस्कोर्स जहाँ से पैदा होता है वो खुद विश्वविद्यालय है, वो खुद एजुकेशन स्पेसेस हैं। एजुकेशन स्पेसेस के अंदर जब दलित समुदाय के स्टूडेंट्स आएंगे, जब मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट आएंगे, जब महिलाएं आएंगी, जब मुस्लिम आएंगे, तो सवाल करेंगे, सरकार से भी सवाल करेंगे, पॉलिसीज पे भी सवाल करेंगे कि आप क्या दे रहे हैं, इतने सदियों से क्यों हम लोगों का दमन हो रहा है, नई रिसर्च प्रोड्यूस होगा, नया नॉलेज प्रोड्यूस होगा। और इसी से सरकार को खतरा है, इसी से सरकार को डर है कि ये सारे तमाम तबके वापस आ ना जाएं, ये हम लोगों से सवाल ना पूछने लगे, हम लोगों से ये नहीं पूछने लगे कि क्यों हमारे मूलभूत अधिकारों से आपने इतने सालों तक हमको वंचित करके रखा है। और हम मानते हैं यही विश्वविद्यालय है, या तो ये विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, अगर मैं अपने विश्वविद्यालय का आपको जिक्र करूं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हूं, आभा वहीं पढ़ाती है। डीयू में 1.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटीज को माना जाता है, 1.5 लाख। और तमाम तबके के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, हरियाणा से आते हैं तो केरला से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स डीयू में पढ़ते हैं। तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि क्या ये लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद एक आरएसएस का मनुवादी सोच को लेके जाएंगे या बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान का एनहाइलेशन ऑफ कास्ट का आगे लेके जाएंगे, ये हमारे सामने चैलेंज है। हमारे सामने चैलेंज ये है कि क्या ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर का डेमोक्रेटिक भारत का विजन आगे लेके जाएंगे या ये लोग आरएसएस का मोदीक्रेटिक विजन को आगे लेके जाएंगे, ये आज हमारे सामने चैलेंज है। क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट आगे जाके एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और रैशनल ह्यूमन बीइंग बनेगा या वो वापसी में एक फ्यूडल, रिग्रेसिव और अनसाइंटिफिक टेंपर का स्टूडेंट बनेगा। इसीलिए आज यूनिवर्सिटी के ऊपर सबसे ज्यादा हम मानते हैं खतरा है, क्योंकि यही लोग
जो तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो हमारे भारत का आगे का कल है, जो युवा है, जिसको मोदी जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, युवा युवा बोलते हैं, मैं मानती हूँ 4 साल में सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध हुआ है, सबसे ज्यादा जिन लोगों ने सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किया है, वो युवा ही है। तो युवा तो इनसे बहुत खफा है, बहुत नाराज है। सच बता रहे हैं आपको, विश्वविद्यालय में युवा ही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब 2014 के अंदर ये सरकार जीत के आया था, पर तमाम लोगों ने सोच लिया था कि डेमोक्रेसी तो शायद फेल हो गई है, शायद ऑपोजिशन बचा नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन दिख नहीं रहा था। तो यही स्टूडेंट्स हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोहित विमुला या JNU के स्टूडेंट्स, उन लोगों ने और तमाम विश्वविद्यालयों के अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं, हम लोग जीवित हैं, हम जिंदा हैं। और जब तक हम पढ़ रहे हैं, तब तक इस देश में क्रिटिकल थिंकिंग चलता रहेगा। आप साथियों देखिए, जब से मोदी सरकार आया है, आम बात है RSS की शाखाओं के अंदर और गौशाला के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ाया जाता। उनको बता दिया जाता है कि ये है तो ये है, आप सवाल नहीं पूछेंगे। इसीलिए मोदी से भी आज कोई, मोदी जी से सवाल कोई पूछता नहीं है, उनका मिनिस्टर भी नहीं पूछता, क्योंकि सवाल पूछने पे मनाही है। लेकिन विश्वविद्यालय में हमको जो सिखाया जाता है वो यही है कि सबसे सवाल पूछिए। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला, सबसे ज्यादा क्रिटिक करिए। मार्क्स ने बोला ऐसा, आपको सब चीजों का क्रिटिक करना है, आपको सवाल पूछने हैं। वही आज कैंपसेस के स्टूडेंट्स में मानती हूँ कर रहे हैं। और आज जिस तरह का पॉलिसी असॉल्ट हो रहा है, आपको अभी इससे पहले भी पता चला, ऑटोनॉमी, मैं मानती हूँ ऑटोनॉमी हमारे लिए हमेशा से, खासतौर पे लेफ्ट के तबके से आए हुए लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द रहा था, हमारा खुद का शब्द था। हम बोलते थे हमको अकेडमिक ऑटोनॉमी चाहिए, सिलेबस बनाने की, करिकुलम डिजाइन करने की ऑटोनॉमी तो छात्रों के पास, टीचर्स के पास तो होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार ने फिर से वैसे ही वर्ड को यूज कर लिया, बोला कि अरे इतने सालों से आप यही मांग रहे थे, लो दे दी ऑटोनॉमी। एक यूनिवर्सिटी को नहीं दिया, 63 यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दे दी। क्या ऑटोनॉमी दी? ये अकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं है, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी दे दिया कि जाइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप जाकर अलग सा कोई भी कोर्स खोलिए, कोर्स में क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे वो तो हम लोग डिक्टेट कर लेंगे, लेकिन अब आप जो भी कोर्स खोलें आप हमारे पास वापस नहीं आएंगे, आप हमसे ग्रांट नहीं मांगेंगे, आप हमसे फंड नहीं मांगेंगे, क्योंकि ग्रांट और फंड का दरवाजा बंद हो चुका है आपको। लेकिन पैसा चाहिए तो आप क्या मांगेंगे? हम आपको लोन दे देंगे। तो यूनिवर्सिटीज को लोन मिलना शुरू होगा उनकी सरकारों से, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को लोन मिलेगा। एक नया एजेंसी बन गया, हिफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, आप जाइए, आप अप्लाई करिए, एक बैंक के साथ, कैनेडा बैंक के साथ आपका टाइप होगा, आप लोन लीजिए, फिर लोन पे पढ़ने वाले छात्रों को एडमिशन दीजिए और उनका फीस, ये एक कॉमन सेंस लॉजिक है कि उनका फीस आज अगर 10,000 में हम पढ़ पा रहे हैं, 5,000 में पढ़ पा रहे हैं, तो वो 50,000 और 1,00,000 हो जाएगा। और ये हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, माना जाता है अक्सर कि ये लोग हमेशा कोई पॉलिसी आता है तो सड़कों पे उतर जाते। कैसे? इनका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म खुला है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट वहां से पैदा होने चाहिए रवीश कुमार की तरह जो सवाल पूछे। लेकिन वो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एक सेल्फ फाइनेंस मोड में खुला है जिसका फीस 50,000 एक सेमेस्टर का है और वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जमीन पे बैठ के वो लोग पढ़ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो जमीन पे ही बैठ के लिटरली पढ़ रहे हैं। ये एक सेल्फ फाइनेंस मोड का एक इनका एग्जांपल है और उसमें कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, सारे एडहॉक है, सारे एडहॉक फैकल्टी है, कोई परमानेंट नहीं है। ये ऑटोनॉमी का एक एग्जांपल है, इसीलिए इसको रेसिस्ट करना, इससे लड़ना हम मानते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ इसकी वजह से सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में आना ताला लग जाएगा, नहीं आ पाएंगे, नहीं एफोर्ड कर पाएंगे, वॉइस नया नया कोई वॉइस ही नहीं आ पाएगा, नया कोई नॉलेज नहीं आ पाएगा, कोई नया रोहित विमुला जैसा स्टूडेंट शायद नहीं आ पाएगा कैंपस के अंदर, कोई कश्मीर का स्टूडेंट शायद कैंपस में ना आ पाए। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए दरवाजा बंद अगर ये ऑटोनॉमी इम्प्लीमेंट होता है। और ना सिर्फ ये ऑटोनॉमी एक पॉलिसी असॉल्ट, तमाम तरीके से सीट कट हो या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक ड्रामेटिक फी हाई हुआ, वो सब एक पॉलिसी असॉल्ट, एक साजिश है कि अब आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों से मोदी जी को बहुत खतरा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया
तो बढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा इंडिया, तो सवाल पूछेगा इंडिया, तो सवाल नहीं पूछना है। मोदी जी को अकेडमिया से बहुत दिक्कत है, इंटेलेक्चुअल से बहुत दिक्कत है। अभी उन्होंने कुछ साल पहले का एक इंटरव्यू दिया था ईटीवी को, अब कभी यूट्यूब करिए, तो उसमें उनसे पूछा गया कि आपने कौन सा किताब पढ़ा है, तो मोदी जी ने बोला मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा है, उन्होंने बोला है लाइव है। तो जिसको हमेशा से किताब पढ़ने से, अकेडमिक कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने में हमेशा दिक्कत रहा, वो कभी समझ नहीं सकता कि यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। आज जेएनयू के अंदर एक नया कोर्स खोलने का इनका सिफारिश हुआ है। सारे आप भूल जाइए कि कोई लॉ को ये लोग फॉलो करते हैं, सारे रेगुलेशन, सारी ईसी मीटिंग एसी मीटिंग सब हार में जाए। इन्होंने बोला कि हमको इस्लामिक टेररिज्म नाम का हमको कोर्स जेएनयू के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अब आप उनसे पूछे कि इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज भी क्या दुनिया में होती है, हम आते तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ाना चाहते हैं। तो अकेडमिक फ्रीडम भूल जाइए, आपको मिला है, आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है। ये आज मोदी सरकार का पॉलिसी असॉल्ट हम लोगों के ऊपर हो रहा है, और आज तमाम स्टूडेंट्स हम मानते हैं इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। खास तौर पे जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मुझे बुलाया जाता है कि बताइए कैंपस में क्या लड़ाई हो रहा है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एकमात्र यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, मेरे हिसाब से हमें ये सिखाता है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, अभी भी डाइसेंट इस देश में जिंदा है, और स्टूडेंट्स ने उसको जिंदा रखा हुआ है। बीएचयू के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और उसमें जो रिस्पांस वहाँ के वाइस चांसलर का, जो बोलते हैं कि आरएसएस का शाखा हमारे कैंपस में लगना चाहिए और कैंपस में लगता है, उनका रिस्पॉन्स होता है कह रहे आप बात कर ही क्या रही थी। और उसके बाद जो आप वहाँ के स्टूडेंट्स एक नारा जो मोदी जी का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने जो इस नारे का काउंटर दिया, बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी बेटी, ये मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी का आज जो अपने आप को जिंदा रखने का संघर्ष है, उस चीज को दिखाता है। तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आज हो रहा है, एमयू के अंदर या जामिया के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस को छीनने का एक साजिश चल रहा है। एकमात्र ये दो या तीन यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आकर पढ़ पाते हैं। आज ये बोल दिया गया स्मृति ईरानी जी के टेन्योर में ही ये चलना शुरू हो गया कि अब आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे। एमयू के स्टूडेंट्स का भी छंटिंग शुरू हो जाता है क्योंकि कर्नाटका के अंदर चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर केराना बायपोल आने वाले हैं, और पूरे वो स्टूडेंट्स जो उनके साथ खड़े हैं उनको प्रो जिन्ना लॉबी बोल दिया जाता है। तो इस तरह से हर एक विश्वविद्यालय को टारगेट किया गया है, डाइसेंट को पूरी तरह से यहाँ पर क्रश कर देने के लिए। लेकिन हम मानते हैं कि जिस तरह से पूरे 4 सालों में हम सब लोगों ने लड़ा, आज भी यही जब 2019 हमारे सामने है, मैं बिल्कुल होपलेस और निराश नहीं करना चाहती यहाँ पर सबको। मैं मानती हूँ कि जब मैं रोज किसी प्रोटेस्ट में जाती हूँ और यूनिवर्सिटी का कोई नया स्टूडेंट उठकर उसमें आता है जो अभी बस 12वीं करके आया है और पूछता है कि क्या हो रहा है, क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं, तो मुझे तो उसमें होप दिखता है कि नहीं ये जिंदा है, अभी है, तो अभी कुछ मरा नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ। पर अभी करना ये है कि तमाम संघर्षों को साथ में लेके, यूनिवर्सिटी के संघर्ष जो सड़क पे चल रहे हैं उनको साथ में लेके, डाइवर्स आइडियोलॉजीज प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज को साथ में लेके आज लड़ने की जरूरत है। एक लड़ाई जरूर चलेगी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हम मानते हैं इस डेमोक्रेसी को जिसने जीवित रखा है, जो विश्वविद्यालय है, जो स्टूडेंट्स हैं, उस सारे संघर्षों को वो लोग लीड करेंगे, वो लोग लीड कर रहे हैं अपने कैंपसेस में, और इस पूरी चीज को इंश्योर करेंगे कि आगे वाला स्टूडेंट जो अलग अलग जगहों में जाएगा, जो किसी डिसीजन मेकिंग पोस्ट के ऊपर होगा, वो स्टूडेंट प्रगतिशील होगा, वो सेकुलर होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, और वो बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत के विजन को आगे लेके जाएगा, वो आरएसएस के गौशाला के एजेंडे को आगे लेके नहीं जाएगा, और हम अपनी यूनिवर्सिटीज को आरएसएस की शाखा बनने नहीं देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज खत्म करती हूँ। शुक्रिया।